दोस्तों आज 25 अगस्त 2017 है। मैं छत पर नहा रहा हूँ, इस समय मैं छत पर नहा रहा हूँ। मैं सिर्फ छत पे इसलिए नहाने आया था क्योंकि मुझे था कि मुझे सन को बादलों के पीछे देखना था। मैंने छाता पकड़ा हुआ है हाथ में और ये ऊपर मैंने सन की तरफ किया हुआ है, तो कोशिश करता हूँ शायद और मुझे क्लियर नज़र आ जाए। कैमरा गीला हो रहा है, मैं ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। बारिश की बूंदें भी गिर रही है, छाता मैंने कोशिश की है कि शायद ये अगर आप देख पाए तो बारिश हो रही है और बादलों के पीछे अभी सन जाते हुए आपको खुद नजर आएंगे। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है इसकी। अब ये फुल जूम पे है, मैं थोड़ा छोटा करूँगा इसको। छाता मैंने पकड़ा हुआ है ताकि मुझे कुछ क्लियर नज़र आए। फिर दोबारा से ऊपर करूँगा इसको। ये देखिए दोस्तों, नज़र आ रहा है आपको? दोस्तों ये जो सीन है, ये देखिए प्लीज़। मैं यहाँ पर बिल्कुल लेट चुका हूँ फर्श के ऊपर। आपको सूर्य भगवान नज़र आ रहे होंगे, बारिश हो रही है और मैंने छाता पकड़ा। ये देखिए मेरे हाथ में छाता है और मैं आपको लेटा हुआ भी दिखाता हूँ अपने आपको, अगर इस पर क्लियर नज़र आए तो। थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है बस। मेरे को यही दिखाना था कि सन जो है मिलियंस माइल अवे नहीं है, हमसे झूठ बोला जा रहा है। सन बिल्कुल पास में ही है, हमारी पृथ्वी के अंदर ही है। पृथ्वी स्पिन नहीं करती है। मैं सूर्य का प्रकाश देख पा रहा हूँ, मेरी आंखों पे पड़ रहा है इस समय। ये देखिए, जिनको विश्वास नहीं होता खुद करके देखिए। आज 25 अगस्त है, दोपहर के 12:30 का समय हुआ है। भगवान सूर्य मेरे बिल्कुल ऊपर हैं और बूंदाबांदी अब हो रही है। बादल देखिए कैसे छट गए हैं। मेरे हाथ में छाता है, मैंने कवर कर लिया है। बारिश की बूंदें जो हैं वो लेंस पे गिर रही हैं। एक मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। ये जो सीन है, ये देखिए, अब आप बताइए सन कितना दूर है। पर अभी थोड़ी देर में अपने आप ही देखना आप, मैं इसी पे कॉन्सेंट्रेट रखूंगा। बादल जो हैं वो अपने आप सन को थोड़ी देर के लिए कवर कर लेंगे। हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। मैं इसलिए साथ साथ ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि कहीं ये ना बोले लोग कि ये एडिट किया हुआ है। दोस्तों भगवान हैं और नासा हमसे, क्योंकि कलयुग में ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, भगवान को हमसे छुपाया जाएगा और नोट बनाए जाएंगे और साइंस को बहुत ऊपर दिखाया जाएगा। और थोड़ी देर में देखना, ये जो बादल आ रहे हैं उसके बीच में सन भगवान जो है वो बादलों के पीछे चले जाएंगे। होगा यही, अभी देखना आप।
मैं इसलिए ये लाइव रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। आप भी कीजिए, आपको भी विश्वास होगा। ये मैं छाता आगे ले आया, अब मैंने छाता हटा लिया। बूंदाबांदी हो रही है, ये देखिए सन का कितना हिस्सा जो है, ये देखिए आप खुद देखिए, देखिए सन कहाँ चले गए बादलों के पीछे। देखिए आप खुद विश्वास कीजिए अपनी आंखों पर, मुझ पे मत विश्वास कीजिए। वीडियो देखते जाइए, मैं ये देखिए लाइट देखिए, मेरा कैमरा वहीं का वहीं है। बूंदाबांदी अब पहले से हल्की हो गई है, ये देखिए। कौन कहता है कि सूर्य और सूर्य जो है वो 93.96 मिलियन माइल से, मैंने तो बादलों के पीछे खुद देखा है, बादल आगे आते हैं जाते हैं, सन थोड़े टाइम के लिए उसके ऊपर। ये देखिए थोड़ा सा सन का परछाई और नज़र आ रही है। मैं अपनी आंखों पे क्यों क्यों विश्वास ना करूं कि मेरे हाथ में अम्ब्रेला है, मैंने अम्ब्रेला आगे कर दिया, नीले रंग का अम्ब्रेला है। ये देखिए पीछे कर रहा हूँ, अम्ब्रेला पीछे कर रहा हूँ मैं। भगवान सूर्य अभी फिर निकलेंगे, वो बार बार हमें बता रहे हैं कि मैं यहीं पर ही हूँ। आप लोग किताबों के माध्यम से क्या पढ़ना चाहते हैं, और नासा हमसे क्यों झूठ बोल रहा है, सिर्फ हमारे बच्चों को स्पेस पे दिखाने के सपने दिखाए जा रहे हैं, भगवान हमसे छुपाए जा रहे हैं। ये देखिए खुद देखिए आप, नजर आए आपको सूर्य की रोशनी नजर आई? रबी थोड़े टाइम बाद बादल फिर उसको सन को कवर कर लेंगे। 25 अगस्त फ्राइडे का दिन है, मैं दिल्ली से, दिल्ली के ऋषि नगर एरिया से ये लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को ये लगता है कि सन 93.96 मिलियन माइल है, वो थोड़ा सोचें, ज़्यादा किताबों पर विश्वास करें लेकिन अपना दिमाग भी लगाएं, और अपने अध्यापकों से भी क्वेश्चन पूछें, और हो सके तो कृपया उन्हें अगर विश्वास ना हो तो ये वीडियो अवश्य दिखाएं। भगवान हैं, आप उनको छुपा नहीं पाओगे। नेचर हमें इतने सारे एविडेंस देते हैं, हम लोग मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारी दिमाग जो है उसकी प्रोग्रामिंग की जा रही है कि जो वो किताबों में छाप दें वही हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। धन्यवाद। 25 अगस्त 2017 है, अब खुद देखिए ये बादलों के पीछे सन, ये अभी तो सन नज़र आ रहे हैं, बादलों के पीछे नहीं है अभी ये, लेकिन अभी बादल आएंगे और सन को कवर कर लेंगे। इससे क्या पता लगता है? अब आप खुद सोचिए कि सन हमसे कितने दूर हैं या कितने पास हैं। ये मैं जूम कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, ये खुद देखिए आप, ये खुद देखिए आप, और खुद रिसर्च भी कीजिए, खुद छत पे चढ़िए कभी, कैमरे से रिकॉर्ड कीजिए, और नासा के झूठ को जो किताबों में इतने सालों से हम लोगों को गुमराह करने के लिए बोला जा रहा है, उससे अपने बच्चों को बचाइए। हो सकता है कि आज मैं आपको पागल साउंड करूं, लेकिन जब आप खुद करेंगे, खुद इस रिसर्च को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेचर हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स, हर रोज़ सबूत हमारे सामने पेश करते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं मानते, क्योंकि हम लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा किताबों भी जो छापी गई चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा विश्वास हो रहा है। देखिए यहाँ पर कहीं शोर हो रहा है, कोई मशीन चल रही है मेरे आसपास, ये उसका शोर है, और मैं कॉन्स्टेंटली सन की तरफ देख पा रहा हूँ। मैं छोटा करता हूँ अब, उद्देश्य किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम सच को सच के रूप में स्वीकार करें, और अपने बच्चों को जो हम खुद गलत सीख के आए हैं, वो तो चलो हो गया, मार्क्स लेने के लिए किया, लेकिन
क्या अगली जनरेशन को भी वैसे चलने देंगे आप? आपकी मर्जी। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, सॉरी। आपको बादलों की आवाज़ आई, गड़गड़ाहट की हल्की सी। सब कुछ साथ साथ ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे छत के ऊपर जो एंगल लगा वो है, और ये ऊपर जो सन आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैं अब जूम कर रहा हूँ, ये खुद देखिए आप। बहुत क्लोज हो गया, ये थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। एक सब्जी वाला कुछ बेच रहा है, उसकी भी शायद इसके अंदर आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मान लूँ? 93.96 मिलियन माइल्स। अरे कब तक उल्लू बनाओगे भाई, और कब तक हम लोग मूर्ख बनते रहेंगे? मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, सोचना आपको है कि सन कहाँ पर है, हमारी पृथ्वी में ही है या जो किताबों में लिखा हुआ है, उसी को रट्टा मार के मैं मार्क्स लेने के लिए पढ़ते जाऊँ। भगवान है, आप मानो या ना मानो, और हम प्रूव करके रहेंगे। जिनको विश्वास है, ये जो सीन है ये बहुत कुछ कहता है, समझने वालों के लिए बहुत कुछ कहता है, रट्टा मारने वालों के लिए, अविश्वास करने वालों पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी हर इंसान समझदार है, भगवान ने हर किसी को बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि लगाएं और खुद की रिसर्च करें। दोस्तों मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ इसके ऊपर, सन। ये देखिए सन कहाँ पर है, और अभी थोड़ी देर में देखना, मुझे तो अपनी आंखों से सन नज़र आ रहा है, शायद कैमरे में आपको ना नज़र आ रहा हो शायद। ये देखिए मैं और ज़ूम कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने और ज़ूम कर दिया, मैं अपनी छत पे हूँ। ये है इस समय, तारीख वही है, 25 अगस्त 2017। नीचे कोई सब्जी वाला कोई सब्जी बेच रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। कि देखिए अभी अपने आप देखना आप, मैं भी बारिश के पानी में ही नहा रहा था, बरसात में नहा रहा था। तो मेरी जिज्ञासा सिर्फ यही थी कि मैं नेचर के दिए गए जो चिन्ह हैं, जो क्या कहते हैं उसको, सबूत जो हैं, जो नेचर हमें हर रोज़ देता है कि सन दूर नहीं है, सन पृथ्वी के अंदर ही है, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल? आप देखिए खुद, ये मैं अपनी छत पे ही खड़ा हूँ। मेरा नाम कमल मोंगा है, मैं दिल्ली से हूँ। चाहे आप विश्व में कहीं पर भी रहते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन आप कैसे मान सकते हैं? हाउ कैन यू बिलीव दैट द सन इज 93.96 मिलियन माइल्स अवे व्हेन द सन इज इनसाइड द अर्थ एंड द अर्थ इज क्लोज्ड and the sun and the moon are inside this. NASA has been telling a lie for so many years, and we have been taught all the wrong things just because they don't want us to see the God. But we won't let that thing happen. हम लोगों को अपने आँखों पर विश्वास होना चाहिए। बहुत खेल लिया ट्रिक इन लोगों ने हम लोगों के साथ, हमारे बच्चों को हम गलत नहीं पढ़ने देंगे। देखिए सन कहाँ जा रहे हैं, देखिए सन कहाँ गए, अब खुद देखिए आप, बादलों के पीछे छिप रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है दोस्तों? आप खुद सोचिए, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? ट्राई बींग ऑन द टेरेस ऑफ योर हाउसेज, वेयर एवर यू आर ऑन दिस प्लैनेट, प्लीज़ डू सम मोर रिसर्च एंड देन शेयर द सीक्रेट and let people decide what they think. Now again I am zooming. See, the sun is hidden. It's no more visible, and I am still standing at the same place. Now I am reducing the zoom. Now this is the maximum height of my terrace, which is visible. And again I'll zoom. Then just see for yourself. And I will upload this video on YouTube too.
on Kamal Moonga. That's the name of my channel. Please see the truth, tell the truth, speak the truth, so that people may not, especially NASA, may not misguide us, mislead us. For ages you have hidden the God from us, but we know that God is also in this planet. Now the sun is not visible, it's behind the clouds, but certainly it's not 93.96 million miles away. It's inside. I'm reducing the zoom. The sun is not visible. Now the sun is not, it's behind the clouds now. Now I'm ending the video here.